क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन को और प्रेस कीजिए ये बेल के बटन को और पाइए मेरी तरफ से लेटेस्ट वीडियोस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज मैं एक लेके आया हूँ नया कॉन्सेप्ट जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा क्विड। ये गाड़ी मेरे एक फ्रेंड की है, अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपकी कार पे बनेगी जिसमें आपकी तरफ से हम पूछेंगे कि गाड़ी में आपको क्या बेटर लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, तो मेरे को बताइएगा। तो ये है इसके ऑनर कृतिक मल्होत्रा, मेरे फ्रेंड हैं, तो मैंने इन्हें बोला कि अपनी गाड़ी का रिव्यू बताइए क्योंकि हमने क्विड को कभी दिखाया नहीं अपनी कार्स की वीडियोस में, तो आज इसके बारे में बता दें कितनी चल चुकी है। मेरी अराउंड 3000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है कार। ओके, एंड एक ईयर हुआ है, ज़्यादा चलती नहीं है, बट हाँ एक साल में पता चल गया है कि क्या क्या है इसमें, अच्छी चीज़ें क्या हैं, क्या बुरी चीज़ें क्या हैं। चलिए बताते हैं आपको, तो एंड में बताएंगे आपको ये लाइक है वीडियो को करना या इस क्विड को अनलाइक करना है, तो देखिएगा पूरी वीडियो, इसको स्किप ना कीजिएगा। तो गाड़ी के इंजन के बारे में बताइए आप। गाड़ी में 800 सीसी का इंजन है। अच्छा, इंजन में अब फ्रेंकली बात करते हैं यार, देर से ये बता, इंजन में कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक? इंजन में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ जो 800 सीसी का इसका वेरिएंट है उसमें थोड़ी नॉइज ज्यादा होती है, बिकॉज ऑब्वियसली छोटा इंजन है, मारुति 800 में ये इंजन आता था, बट ये उससे बहुत बेटर है। फर्स्ट गियर पे कोई पावर की कोई इश्यूज नहीं है, चार पांच लोग बैठ के गाड़ी में जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी नॉइज की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑब्वियसली छोटा इंजन है तो ज्यादा लोग बैठेंगे तो नॉइज तो ज्यादा आएगी। ओके, तो बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको कैसी लगी है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है इसकी, अगर आप ध्यान दें तो मोस्ट ऑफ दी कार से इसमें ज्यादा ही ग्राउंड क्लियरेंस है। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, अगर किसी नॉर्मल कार से आप कंपेयर करेंगे जैसे i10 हो गई, i20, उससे बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, हर जगह से चली जाती है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। तो बॉडी के अंदर जैसे अभी मैंने चेक कराया, काफी नॉट बैड बॉडी की क्वालिटी मेरे को काफी अच्छी लगी है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि बॉडी जो होती है ना काफी हल्की देते हैं। और गाड़ी का प्राइसिंग क्या पड़ी है? गाड़ी की प्राइसिंग जिससे मैंने ली थी मेरे को पड़ी थी 370,000 ऑन रोड। ओके, एंड उसके अलावा कुछ एक्सेसरीज मैंने लगवाई थी वो मेरे को शोरूम वालों ने फ्री में दी थी, जैसे मैंने क्रोम का वर्क करा रखा है आगे की तरफ क्रोम, एंड हैंडल्स पे क्रोम, ये टेल लाइट्स पे जो फॉग लैंप्स होते हैं उनपे क्रोम है, तो क्रोम वर्क मैंने 1 ईयर पहले जब ली थी तभी लगवाया था। तो ये एक साल हो चुका है क्रोम वर्क को इसके, और क्रोम वर्क भी काफी अच्छा चल रहा है। हैंडल्स पे भी दिखाते हैं। तो और कोई आपको गाड़ी में ड्रॉबैक लगा? नहीं, और कोई तो ड्रॉबैक नहीं है। ओके, सो आप बता रहे थे एक प्रॉब्लम आई थी जो कंपनी ने फिक्स करके दे दी थी आपको। एक प्रॉब्लम कार की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था जो थोड़े टाइम बाद डिटेक्ट हुआ, इसमें ये था कि कार के एक्सेलरेटर में थोड़ी प्रॉब्लम थी। सो इसमें एक वार्निंग साइन होता है, वो वार्निंग साइन बहुत टाइम तक ब्लिंक हो रहा था। सो मैंने कार सर्विस में दी, उन्होंने चेक करा कि एक्सेलरेटर में प्रॉब्लम है, उन्होंने उसी टाइम वो वारंटी में था तो वो पार्ट सारे इसके फ्री में रिप्लेस करे, एंड इसकी सर्विसिंग कॉस्ट भी जो है बाकी कार से बहुत कम है। मैंने अपनी फर्स्ट सर्विस कराई, मेरी फर्स्ट सर्विस जो एक ईयर बाद हुई वो सिर्फ 1100 में फुल सर्विस हो गई। तो आपको इसकी सर्विस जो कंपनी करके दे रही है, जहाँ कहाँ से करवाई थी आपने लास्ट? रेनॉल्ट के खुद के सर्विस सेंटर से जो जहांगीरपुरी में। कैसी रही थी वहाँ का सर्विस रिव्यू, कैसा था? बहुत अच्छी सर्विस थी, हॉस्पिटैलिटी अच्छी है उनकी, अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, एंड कोई भी आप उनसे सर्विस लो, कोई क्वेरी लो, उसके बाद 2-3 फॉलोअप कॉल्स उनके बहुत आसानी से आते हैं ताकि कस्टमर उनका सेटिस्फाइड रहे। ओके, तो बात करते हैं इसका, जरा बूट स्पेस एक बार खोल के दिखाएं। बूट स्पेस आप देख सकते हैं, अभी तो थोड़ा सामान पड़ा है बट बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा बूट स्पेस है इसमें। नीचे हमें स्टेपनी भी है जो मेरी आज तक तो कभी मैंने यूज नहीं करी। 3 साल हो गया आपको? एक साल हो गया। एक साल बिल्कुल यूज नहीं करा, एकदम न्यू टायर, सारी किट न्यू पड़ी है, बिल्कुल टायर ट्यूबलेस है ना? ट्यूबलेस टायर है इसके। ओके, एंड बहुत अच्छी बूट स्पेस है। बूट स्पेस मेरे को भी काफी अच्छा लगा। इसके यहाँ पे एक ट्रे आती है, वो अभी यहाँ पे नहीं है। हाँ, ट्रे जो है एक्चुअली टॉप मॉडल में आती है, मेरा जो है वो टॉप से एक कम मॉडल है। अभी हम अंदर बैठेंगे तो मैं थोड़ी डिफरेंस भी बताऊंगा टॉप से और इस मॉडल में क्या डिफरेंसेस हैं। वही मैं पूछना, बहुत जगह नहीं दिखाते। अगर आप शोरूम भी जाएंगे, शोरूम पे हमेशा टॉप मॉडल की कार उनके पास पड़ी होती है, उसके नीचे के मॉडल्स वो नहीं रखते हैं। अब मैं यही पूछना चाहूंगा आपको, टॉप अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, तो टॉप लेना चाहिए था या ये वाला? मैं खुश हूं, मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली गो फॉर द टॉप, बिकॉज जो छोटी छोटी चीजें वो देते हैं वो बहुत वर्थ है 40,000। अभी हम अंदर बैठेंगे तो आपको फीचर बताएंगे जो टॉप में आ रहे हैं, और ये मिडल मॉडल है राइट? टॉप से एक नीचे थर्ड मॉडल आता है। ओके, तो हम अब आपको गाड़ी की थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके दिखा रहे हैं। पीछे से आप देखिएगा गाड़ी आ रही है, एंड ये निकल गई गाड़ी। इस टाइम पे हम दिखाएंगे आपको गड्ढे में गाड़ी कैसे चल रही है। अभी कुछ पास जाएंगे हम और आपको गड्ढे दिखाएंगे।
ये देख सकते हैं यहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा है और अभी हम यहाँ से गाड़ी को क्रॉस करके दिखाएंगे और देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस कितनी अच्छी है, मेरे को भी पसंद आया। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में गाड़ी को थम्स अप देता हूं मैं। चीज जो मैंने नोट करी है, यहाँ पे आप देखेंगे बैक का जो इंडिकेटर है, बैक गियर डालते हैं जब आप, तो वहां पे इस तरफ पे लाइट नहीं है, उस तरफ पे सिंगल लाइट दी हुई है, पता नहीं क्यों, बट ये मैंने नोट करा अभी। एंड अब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आपको अंदर से बताते हैं कि गाड़ी कैसे कंफर्टेबल है या नहीं है, और उनसे भी पूछते हैं कि गाड़ी अंदर से कंफर्टेबल है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई हाइट, तो अभी हम बैठते हैं गाड़ी के अंदर, बैठ चुके हैं यहाँ पे। ओके, सो बैठ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर। मेरे हिसाब से काफ़ी गाड़ी, मतलब मेरी यार हाइट मानते हो आप लोगों को पता है 6.12 इंचेस है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ी सी ठीक है, वैसे कंफर्टेबल हूँ मैं अंदर, बट यही है अगर पीछे ज़्यादा बंदे बैठेंगे, राइट, हाँ थोड़ा जैसे आप अगर हो लंबे, मेरी हो, तो मेरी हाइट है तो पीछे में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ये ड्रॉबैक जो मेरे को दिखा है। उसके बाद अंदर जो इन्होंने काम कराया वो दिखाते हैं आपको। तो बात करते हैं इसके डिजिटल कंसोल के बारे में, ये देख सकते हैं काफी प्यारा दिया हुआ है आपको, यहाँ पे सारे हैंड ब्रेक के, इंजन के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, एंड यहाँ पे स्टीरियो आपने लगवाया है, राइट? नहीं, एक्चुअली इस मॉडल में ये वाला स्टीरियो आता है ऑलरेडी बिल्ट इन, इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, पेन ड्राइव, सारी कनेक्टिविटी इसमें पहले से मिली हुई है। स्पीकर्स भी इसमें मेरे को कंपनी से ही जो गाड़ी में लग के ही आते हैं, कोई हमें अलग से नहीं लगवाने। तो स्पीकर की साउंड आपको कैसी लगी? स्पीकर की साउंड अच्छी है दो स्पीकर्स के हिसाब से। अगर हम ज्यादा बेस एक्सपेक्ट करेंगे वो तो बेस जो भी अच्छे वूफर्स ही आ सकते हैं, उसमें नहीं है। एसी वेंट यहाँ पे दिया हुआ है हमारे को एक, यहाँ पे दिए हुए हैं दो, यहाँ पे दिया हुआ है एक, और पीछे तो कोई नहीं दिया हुआ, राइट? नहीं। गियर शिफ्टर के बारे में, तो गियर शिफ्टर बहुत ही, मतलब इन्होंने नए तरीके वाले दिए हैं, आप रिवर्स करेंगे तो आपको यूं डालना है, नीचे से उठा के डालना है। ये मैंने उठाया एंड ये पहला गियर डल गया। तो चलिए थोड़ी सी ड्राइव करके दिखाते हैं आपको, गाड़ी की पिकअप दिखाते हैं कैसी है। स्टेयरिंग के बारे में बात करता हूं मैं इसके, तो अभी मैंने स्टेयरिंग फील किया था, काफी कंफर्टेबल है इसका स्टेयरिंग। एंड अभी हम ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं, आप देखिएगा, तो गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत आवाज आ रही है, बाहर की ज्यादा नहीं आ रही, एंड इंजन काफी लग रहा है कंफर्टेबल, ये देखिए काफी तगड़े झटके ले रहे हैं हम। सस्पेंशन मेरे को अच्छा लग रहा है इसका, राइट? बहुत अच्छा सस्पेंशन है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है तो और अच्छा रहता है, कहीं ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। पूरा ये रास्ता कोई रोड नहीं है, पूरा ओबड़ खाबड़ रास्ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। वो बताइए एक बार, जो मेरा जो है टॉप से एक नीचे मॉडल है और टॉप मॉडल है, होता है टॉप मॉडल में फर्क ये है, उसमें फ्रंट की पावर विंडोज मिलती है एंड सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, इसमें नहीं है। और जो यहाँ पे ये कंसोल है वहाँ उसमें डबल डिन का टच पैनल आता है एलजी की तरफ से विद नेविगेशन। विद नेविगेशन उसमें जीपीएस इनबिल्ट है एंड बाकी सारी मल्टीमीडिया फंक्शनैलिटीज, ब्लूटूथ वगैरह सब है। एंड उसके अलावा थोड़े छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे एसी का मेरे पास 3 स्पीड फैन है, उसमें 4 स्पीड है। यहाँ पे मेरे पास वेंट्स के 2 हैं, उसमें 5 मोड्स हैं, लाइक लेग पे हवा आनी चाहिए तो मेरे वाली में नहीं है वो ऑप्शन, टॉप मॉडल में वो ऑप्शन है। एंड यहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज भी एंड एक ड्रॉर भी होता है पुश करके होता है, वो इस मॉडल में नहीं है, टॉप मॉडल में उन्होंने डाल रखा है। एंड बैक साइड की भी पावर विंडो नहीं आएंगी आपको टॉप मॉडल में, उसमें भी मैनुअली है।
सो दोस्तों, ये थी हमारी एक वीडियो, जो एक कॉन्सेप्ट मैं नया निकालना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को पता है काफी बंदों को प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इनको भी प्रॉब्लम आई थी, और वो आपको ही प्रॉब्लम आई थी, और भी इसी मॉडल की बंदों को गाड़ियों में आई थी, और भी इसी मॉडल के लोगों को सेम प्रॉब्लम आई थी, सेम प्रॉब्लम आई थी। ओके, तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि सेम वीडियो आपको भी गाड़ी पे मैं बनाऊं तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने भी मेरे को कमेंट करा था, कि मैंने इन्हें बात करी, डिस्कस किया था कि हम कुछ ऐसा करते हैं, तो ये कहता है भैया ठीक है करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके साथ भी ऐसी एक वीडियो बने, तो मेरे को आपने कुछ नहीं करना, कमेंट नीचे करना ही है आपने ऑब्वियस, और उसके साथ अपनी कार का नाम और अपनी दिल्ली के अंदर लोकेशन, या आप इंडिया में कहीं पे भी हैं लोकेशन भेजिए, अगर पॉसिबल हुआ हम वहाँ पे आएंगे, नहीं तो दिल्ली का तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, और NCR दिल्ली के आसपास जहाँ का भी हुआ पॉसिबल है आप कमेंट करिएगा, अगर उस कमेंट्स पे ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो हम उस गाड़ी को, या जिस गाड़ी की ज़्यादा डिमांड होगी तो हम उसको पिक करेंगे सबसे पहले। और आपको फर्स्ट तो कमेंट करना है, और दूसरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे एंड फेसबुक पे, दोनों जगह पे जाके मेरे को मैसेज करिए। अगर दोनों में से आपके पास इंस्टा नहीं है तो फेसबुक पे करिए, अगर दोनों है तो दोनों पे किए तो बेटर रहेगा, जिससे मैं आपके साथ जल्दी हम वीडियो बना सकते हैं। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, ऐसी और वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी बताइए कि हाँ किस गाड़ी पे चाहिए आपको। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और कौन कौन सी वीडियो देखना ना भूलेगा, ये और ये वाली वीडियो देखना ना भूले, और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ से इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, फेसबुक को भी फॉलो कीजिए। बाय बाय।